वेलकम फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल gksection.com में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जान चाहे 23 जुलाई है, तो इस वीडियो में मैं आपके सामने 23 जुलाई के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करूंगा। ये सभी करंट अफेयर डेली एनालिसिस से बनाए गए हैं। इन सभी करंट अफेयर में आपके नेशनल, इंटरनेशनल, इम्पोर्टेंट डेज और अन्य करंट अफेयर संबंधित हैं, सरकारी से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमारा चैनल है, चैनल को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, ओलंपिक गेम्स 2032 का आयोजन किस शहर में करने की घोषणा की गई है? इसका आपका सही उत्तर है ब्रिस्बेन। अब ब्रिस्बेन किस देश में पड़ता है आपका? ये ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे है ये आपका? ऑस्ट्रेलिया में है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी आईओसी ने 2032 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी का अधिकार ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन को दिया है। इस टोक्यो ओलंपिक के बाद जो अगला ओलंपिक होगा वो आपका 2024 में होगा। कब होगा? 2024 में होगा आपका। और ये आपका कहाँ पर होगा? पेरिस में। ठीक है, और जबकि बात करें इसके बाद जो अपना ओलंपिक होगा 2024 के बाद, वो होगा आपका 2028 में। और इसका कहाँ पे आयोजन किया जाएगा आपके? इसका आयोजन किया जाएगा आपका लॉस एंजलिस में। ठीक है, और जबकि बात करें ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया इससे पहले 2 बार ओलंपिक खेलों की मेजबानी कर चुका है। कितनी बार कर चुका है? 2 बार। कितनी बार? 2 बार खेलों की मेजबानी कर चुका है। जबकि बात करें, इसने पहले जो आयोजन किया था ऑस्ट्रेलिया ने, मेजबानी करी थी, वो थे 1956 में। कब की थी? 1956 में। और कहाँ पे किया था? मेलबर्न में खेला गया था, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में ओलंपिक का आयोजन किया गया था। और जबकि बात करें उसके बाद हुआ था 2002 में आयोजन किया गया था, और वो कहाँ पे किया गया था? ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में ही किया गया था। ठीक है, चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने हाल ही में किसे यूनेस्को की विश्व विरासत या विश्व धरोहर की सूची से हटा दिया है? इसमें आपका सही उत्तर है लिवरपूल मैरीटाइम मर्केंटाइल सिटी। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने हाल ही में लिवरपूल मैरीटाइम मर्केंटाइल सिटी को यूनेस्को की विश्व विरासत या विश्व धरोहर की सूची से हटा दिया है। इस सिटी में पियर हेड, अल्बर्ट डॉक और विलियम ब्राउन सहित 6 स्थान शामिल थे। कितने स्थान शामिल थे? 6, यानी कि 6, आपके 6 स्थान शामिल थे इस सिटी में। और जबकि बात करें, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने लिवरपूल मैरीटाइम सिटी को विश्व धरोहर घोषित किया था, वो आपका था 2004 में। कब किया था? 2004 में, याद रखिएगा। 2004 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर घोषित किया था, और हाल ही में इसे सूची से हटा दिया है। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने घोषणा की है कि सबसे पहले भारत में मिले कोविड-19 का डेल्टा वेरिएंट अब तक 124 देशों में फैल गया है? और इसका आपका सही उत्तर है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO। किसने घोषणा की है? WHO ने। ठीक है फ्रेंड्स, WHO ने घोषणा की है। WHO ने हाल ही में घोषणा की है कि सबसे पहले भारत में मिले कोविड-19 का डेल्टा वेरिएंट अब तक 124 देशों में फैल गया है। कितने देशों में फैल गया है? 124 देशों में। जबकि बात करें, पिछले ही हफ्ते मतलब पिछले ही वीक यह वेरिएंट 111 देशों में मिला है। कितने देशों में मिला है? 111 देशों में मिला है आपके। 111 देशों में मिला है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत सहित विभिन्न देशों में अभी जो मामले आ रहे हैं वो 75% मामले। कितने? 75% मामले
इसी वेरिएंट के आ रहे हैं, किसी के आ रहे हैं इसी वेरिएंट के 75% मामले आ रहे हैं। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डीआरडीओ ने भारत के किस राज्य के तट से अपने देश में विकसित कम वजन वाली और नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल आकाश एनजी कौन सी मिसाइल है आकाश एनजी का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है? इसमें आपका सही उत्तर है ओडिशा। किस राज्य से किया है? ओडिशा राज्य से। ओडिशा किस राज्य से? ओडिशा राज्य से। इस राज्य के तट से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने हाल ही में उड़ीसा राज्य के तट से देश में विकसित कम वजन वाली और नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल आकाश एनजी का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है। ये जो मिसाइल का प्रशिक्षण किया है आकाश एनजी का, ये जो मिसाइल है ये सतह से हवा में मार करने में सक्षम है। और इसी के साथ ही डीआरडीओ ने मल्टी फंक्शन रेडार कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सिस्टम और लॉन्चर जैसे सारे वेपन का इस्तेमाल भी किया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 23 जुलाई को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसमें आपका सही उत्तर है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। 23 जुलाई को पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। यह दिवस रेडियो प्रसारण शुरू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। याद रखिएगा किसके प्रसारण के उपलक्ष्य में मनाया जाता है शुरू होने के, ये है आपका रेडियो। रेडियो प्रसारण के उपलक्ष्य में शुरू होने पर मनाया जाता है। और बात करें कि आज के दिन वर्ष 1927 में, किस ईयर में? 1927 में, याद रखिएगा 1927 में, आज दिन 1927 में इंडियन प्रसारण कंपनी ने, किसने? इंडियन प्रसारण कंपनी ने, लिख देता हूँ, इंडियन प्रसारण कंपनी ने आईपीसी, इंडियन प्रसारण कंपनी ने बॉम्बे स्टेशन से, कहाँ से? बॉम्बे, इसे बता देता हूँ मैं एक बार, बॉम्बे स्टेशन से, कहाँ से? बॉम्बे, बॉम्बे स्टेशन से, अब मैं लिखता 1927 में बॉम्बे स्टेशन से रेडियो का प्रसारण शुरू किया था। और बात करें अभी वर्तमान में, इस प्रसारण को 87 वर्ष यानी 87 ईयर से भी ज़्यादा का समय हो गया है। कितने ईयर पे? 87 ईयर से भी ज़्यादा का समय हो गया है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सरकार द्वारा किस शहर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई है? इसमें आपका सही उत्तर है नोएडा। कहाँ पे? नोएडा में। कहाँ पे याद रखिएगा? नोएडा में। सरकार द्वारा नोएडा शहर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई है। यह देश में अपनी तरह का पहला संस्थान होगा। याद रखिए यह पूरे भारत में अपनी तरह का पहला संस्थान होगा। इससे स्थापना से देश की समृद्ध विरासत पर ध्यान केंद्रित होगा और राष्ट्र के सांस्कृतिक पहलुओं पर शिक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने घोषणा की है कि उसका नया अंतरिक्ष यान, कौन सा यान है? NEA स्काउट। कौन सा है? NEA स्काउट यानी निया स्काउट सभी आवश्यक प्रशिक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर चुका है। ये आपकी घोषणा की है नासा ने। किसने घोषणा की है? नासा ने। याद रखिए नासा ने ये घोषणा की है। ये अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में घोषणा की कि उसका नया अंतरिक्ष यान निया स्काउट सभी आवश्यक प्रशिक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर चुका है। अब स्पेस लॉन्च सिस्टम के अंदर सुरक्षित रूप से रख दिया गया है, मतलब इसे सुरक्षित रूप से स्पेस लॉन्च सिस्टम में रख दिया गया है। यह जो स्काउट, ये निया स्काउट है, ये एक छोटा अंतरिक्ष यान है, बहुत ही छोटा सा अंतरिक्ष यान है।
जो प्राथमिक मिशन निकट पृथ्वी क्षुद्रग्रह से डेटा इकट्ठा करता है। ऐसे नासा ने ये भी घोषणा की है कि जो इनका नया स्काउट है अंतरिक्षयान, जो अभी हाल ही में नवंबर में शायद मिशन लॉन्च करेंगे, तो उसके साथ ही इसको भेजा जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की तरफ। हाल ही में किसने मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल प्रशिक्षण किया है? तो इसका सही उत्तर है आपका DRDO। DRDO ने हाल ही में मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नामक एक निर्देशित मिसाइल का सफल प्रशिक्षण किया है। इस मिशन को लॉन्च करने के लिए DRDO ने थर्मल साइट के साथ एकीकृत एक मानव पोर्टल लॉन्च का उपयोग किया था। इस मिशन में अत्याधुनिक इंफ्रारेड अमेजिंग सीकर और एडवांस एवियोनिक्स भी शामिल किए गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आदर्श मार्ग योजना किस योजना के तहत, याद रखिएगा आदर्श मार्ग कौन सी योजना के तहत, आदर्श मार्ग, या मैं लिख देता हूँ आपका यहाँ पे, याद रखिएगा आदर्श मार्ग योजना के तहत। आदर्श मार्ग योजना के तहत तीन स्मार्क, कितने स्मार्क, तीन स्मार्क आदर्श मार्ग के रूप में चिन्हित किए गए हैं। यानी किस राज्य में आदर्श मार्ग योजना के तहत किस राज्य में तीन स्मार्क आदर्श मार्ग के रूप में चिन्हित किए गए हैं? तो इसमें आपका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश राज्य में। किस राज्य में, आंध्र प्रदेश राज्य में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बात करते हैं इसकी। केंद्रीय पर्यटन सांस्कृतिक और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री जी किशन रेड्डी, किसने, जी किशन रेड्डी, चलिए मैं लिख देता हूँ जी किशन रेड्डी, क्या नाम है इनका, जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी ने हाल ही में घोषणा की है कि आदर्श मार्ग योजना के तहत आंध्र प्रदेश राज्य में तीन स्मारक, कितने हैं, तीन स्मारक आदर्श मार्ग के रूप में चिन्हित किए गए हैं। अभी इन्हें आदर्श मार्ग में चिन्हित किया गया है, तो इन स्मारकों को अब अतिरिक्त सुविधा दी जाएगी और इन्हें अधिक पर्यटन और अनुकूल स्थल बनाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारे आज के करंट अफेयर थे। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारे इस चैनल को लाइक कर लीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।